एरियल नेस्ट एवरी डे। मैं हूं आपके सामने शफात अली और मेरे साथ साथी एंकर हैं आदि अदील अमजद और मेरे साथ हैं नदीम बेग द वन एंड ओनली। वाह खवातीन हजरात नदीम बेग आपको पता है जब यहां मौजूद है तो इसका मतलब वो अंपायर है और आज एक और धमाकेदार मैच होने जा रहा है। सिंपल पे क्या सिचुएशन है, रावी रेडर्स दो मैच खेले दोनों जीते 4 पॉइंट्स, 0.6 का नेट रन रेट। टॉप मेहरान टाइगर्स एक मैच खेला बड़े सुकून से जीता 2.2 का नेट रन रेट। दूसरी पोजीशन बोलान एक मैच खेला धांसू तरीके से जीता वो तीसरे पे है हिमालय हीरोज। और यहां से खवातीन आजाद सैड पार्ट शुरू हो जाता है। अगर मैं चाहूंगा कि अगर म्यूजिक में पीछे बज जाए ना एकदम से ऐसा लगा जैसे हिमालय की बात हो रही है। हाँ दालजी दानिश की बात हो रही है। और चूंकि मेरे साथ एक तरफ खड़े नदीम बेग दूसरी तरफ खड़े हुमायूं सईद मैं बताऊंगा नहीं क्या हुआ है आप खुद समझदार हैं। -0.8 का नेट रन रेट दो गेमें खेली अल्हम्दुलिल्लाह दोनों हारी हैं चौथे नंबर पे मौजूद हैं और पांचवे नंबर पे खैबर फाइटर्स है जुनेद खान की टीम दो मैच खेले दोनों हारे और -1.2 के रन रेट के साथ तकरीबन मैं समझूं फिर मतलब ना ही हो गई है फिर ना ही हो गया मतलब ये खेलना नहीं चाह रहे लेकिन किसी मजबूरी की वजह से जो डेटे दी हैं वो यूटिलाइज तो करनी है। तो आज का जो धांसू मैच होने जा रहे हैं पहले उसके हवाले से बताते चले मेरी जानेब नीले कच्चे में मौजूद है हुमायूं सईद और मेरी जानेब ऑरेंज कच्चे में मौजूद है इंडस्ट्री का अच्छा बच्चा बीबा बच्चा यानी कि समी खान सुपरस्टार दोनों सुपरस्टार हमारे साथ मौजूद हैं। घरों के अंदर फटे हो गए नदीम भाई घरों के अंदर एक टीम दानिश की हो गई है एक टीम समी खान की हो गई दोनों जो है ना आपस में अम्मा अब्बा के आपस में ताल्लुकात खराब हो गए कह रहे हैं हुमायूं सईद जीतेगा कह रहे हैं समी खान जीतेगा बड़ी टेंशन हो गई। तो आज आपको क्या लग रहा है कौन जीतेगा? मुझे लगता है कि आज ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हुमायूं सईद को जीतेगा। पॉलिटिकल आंसर लिया इंसानी हमदर्दी की बुनियाद किसी डिले के टॉस की तरफ चलते हैं जो कि नदीम भाई करेंगे। दोनों कैप्टन आगे आ जाएं आगे और अंपायर साहब आप आगे हो जाएं। एरियल टॉस होने जा रहा है अब और दोनों कैप्टन हाथ मिला ले पहले समी समी हाथ मिला ले हाथ नहीं मिलाते करोना का ये ऐसे होता है ये करोना के लिए चेक कर रहा था इतिहास के आज ये भागो 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 ए बच्चे पांच के सिक्के के पीछे भाग रहे हेड 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 और हेड्स इट इज। अच्छा कैसी बात है समी खान क्या करेंगे पहले? हम लोग पहले बैटिंग करेंगे आप पहले शेव कर ले लेकिन इरादा भी यही था इरादा भी ये था इरादे के पक्के हैं। सलमान भाई रेडी हैं बैट्समैन समी खान भी रेडी हैं अंपायर के इशारे का इंतजार हो रहा है और इनिंग की पहली बॉल फेंकी जाएगी। अंपायर ने कहा लेट्स प्ले पहली बॉल सलमान भागे हाथ घुमाया बॉल फेंकी वाइड बॉल ठीक है नहीं बॉल वाइड है कि नहीं गई है अंपायर सोच रहे हैं कि वाइड है या नहीं अंपायर ने कह दिया जनाब वाइड है मुबारक है जनाब। अंपायर का प्रोसेसर थोड़ा सा तेज हो गया पिछले एपिसोड के मुकाबले पिछले एपिसोड में अंपायर का प्रोसेसर थोड़ा सा स्लो था। सलमान रेडी हो गए वापस से पहली बॉल वाइड कराई लेकिन उम्मीद है कि दूसरी बॉल जो फेंकेंगे फहद शेख जो है वो उनसे ज्यादा फोकस है बल्ला घुमाया और ये 6 रन सईद अपने गुस्से को काबू में करते हुए हालांकि उनका दिल चाह रहा है कि जाके सलमान को थोड़ा सा गिच्ची से पकड़ के जरा बंबोड़े और उनसे कहें कि भाई जरा बॉल अब जो है इस बच्चे को तो कम से कम जो है वो लेग पे मत कराओ क्योंकि ये तो इसकी तो लेग खुली हुई है और ये जितना स्ट्रांग है अपनी लेग पे ये देखिए जी अब आया दोबारा ऑफ से और ये 6 रन बहुत आला बहुत आला। अंपायर ने 4 रन का इशारा किया चौका था ये उनका आवाज नहीं आ रही सलमान ने हाथ घुमाया बॉल फेंकी और फहद शेख ने चौका मार दिया इट्स अ 4 रन इट्स अ 4 रन इट्स अ 4 रन। हमाद बहुत गुस्से में आ गए हैं इसके बाद उनकी आंखें चढ़ गई हैं और हमाद भागते हुए आए बॉल फेंकी और फहद शेख ने छक्का लगा दिया है नाज़रीन जबरदस्त मरियम मरियम ने अपनी चौथी बॉल फेंकी और छक्का फहद शेख शर्म होती है ओ कोई या होती है ओ कोई एथिक होती है
लेकिन कोई शर्म नहीं आ रही। 90 पहले पूछ रहे 90 जाएगा कि मेडन हो सकता है ये ओवर। नुमान अभी ने बॉल को माई, समी खान ने छक्का मार दिया उनके मुंह पे। 70 का स्कोर टॉप दिया है इस टीम ने। मायो भाई 74 का टोटल है, आप लोग ऑलरेडी 70 तो बना चुके हैं, 72 बना चुके हैं। ये चेजेबल है नहीं है? बिल्कुल चेजेबल है, बन सकता है। ओपन खुद कर रहे हैं? हाँ। सलमान से क्या उम्मीद है? सलमान से वही उम्मीद है जो टॉप स्कोरर है टूर्नामेंट का अभी तक। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये मतलब आज ये बम्बोड़ देगा। बिल्कुल आज भी करेगा, ये कर देगा इंशाल्लाह। घुमाया बॉल, घुमाई और ये चार और ये चौका से मिट देता है इशारा, कंफर्म कर और ये एक और चौका। असल में 30 रुपए की विकेट ली है हमने, तो बार बार हिल जाती है हवा से। और समी खान ने पहले डिलीवरी कराई और कंफ्यूजन रन आउट हो सकता था, और थ्रो का चांस है, और थ्रो हो सकता है, और यहाँ पे पहला ओवर थ्रो हो गया जनाब, और दूसरा ओवर भी हो सकता है। जनाब बॉल फेंकी नुमान अमीर ने, सुकून से छक्का। नुमान हबीब ने छक्का मार के बहुत ही अजीब शक्ल से समी खान को देखा, समी खान को गुस्सा, बॉल फेंकी और एक और छक्का। वसीम नुमान के बैटिंग स्टाइल के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं चौके से ज्यादा नुमान में का जो एक्सप्रेशन है पोस्ट चौका, उसमें मजा आया मुझे, क्या बात है, बड़ा जान लगा के बॉल फेंकेगी हुमायूं सईद ने बॉल छक्का। अपने मिजाज के बरखिलाफ हुमायूं भाई ने खातून को मुंह तोड़ जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया है क्योंकि बनता है। तीसरा मैच अगर मुसलसल हार गए तो हुमायूं भाई टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। हुमायूं सईद की अगली फिल्म का नाम है छक्का नहीं मारूंगी। हुमायूं सईद इमेजिन कर रहे हैं फिल्म का स्क्रिप्ट। एक और छक्का, किन वाले डिफेंस वालों को बॉल कराते हुए, डिफेंस वाले छक्का। यार सम्मो आए भाग के बॉल फेंकी, अली अंसारी ने छक्का। और ये फैजान ने बॉल फेंकी और वो चार रन। तुम में भी दम है, हम में भी दम है, और किसी से भी कब कोई कम है। समी खान आज का मैच आप जीते, बहुत जबरदस्त जीते। से जो अमेजिंग और सरप्राइजिंग परफॉर्मेंस थी वो किंजा की थी, उनका ओवर जो उन्होंने कराया, जो दो उनके इंपॉर्टेंट बैट्समैन आउट किए, तो दैट वाज आई थिंक गेम चेंजर। उसके अलावा ओपनिंग स्टैंड भी अच्छा रहा, फाज शेख अगेन ऑलमोस्ट 47 तक कर गए, 50 एक और बनती थी इनकी, ही प्लेड रियली वेल, तो हमें स्कोर अच्छा मिला। और बाकी पूरी टीम एफर्ट है, फैजान ने आखिरी अच्छा निकाला, नवीद अयाज सब ने, किंजा फाज शेख सब ने अच्छा खेला, गुड टीम एफर्ट।